In fact, Wadhwani Foundation से बिहार का हम लोगों का पहला संपर्क HRD मिनिस्ट्री में हुआ था. And we were there in our appraisal program. And the proposals were to be appraised by the HRD. And one of the representative from Wadhwani Foundation, I first time met them there. वहाँ पे हम लोगों ने एक काफ़ी लंबा इंटरेक्टिव सेशन था हमारा. हम लोगों ने इन बिंदुओं पे देखा कि जो कम्युनिटी कॉलेज प्रोग्राम है उसको रियल सेंस में बिहार में कैसे लागू किया जा सकता है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसके आधार पे हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर सकते हैं. और यह दिस वाज द केस हम समवेयर इन 2013. उस समय इनिशियल डिजाइन हो रहे थे कम्युनिटी कॉलेज इम्प्लीमेंटेशन के अंडर द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ HRD. उसमें बिहार को 15 स्लॉट्स मिले थे 15 कॉलेज के प्रपोजल भेजने के. और मुझे जहाँ तक याद है वाधानी फाउंडेशन ने इनिशियल डिजाइनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस कम्युनिटी कॉलेज प्रोग्राम. और हम लोगों ने आउट ऑफ 14 में सक्सेसफुली स्टार्ट किया प्रोग्राम. और इस तरह हम कह सकते हैं कि वाधानी फाउंडेशन की शुरुआत ही में बिहार का और वाधानी फाउंडेशन का इंट्रैक्शन काफ़ी फ्रूटफुल रहा. आगे चल के कहा जा सकता है कि फिर हम लोग का वन ऑफ द जो कम्युनिटी कॉलेज थे दैट वाज पटना विमेंस कॉलेज, उसमें कम्युनिटी कॉलेज स्थापित हुआ. उसके साथ वाधानी फाउंडेशन का MOU हुआ और डिपार्टमेंट वाइज उसमें भी पॉजिटिव रोल था हम लोगों का. देन जो सारे कम्युनिटी कॉलेज का इंटीग्रेटिंग यूनिवर्सिटी है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU, उसके साथ भी सपोर्ट वाधवानी फाउंडेशन का कंटिन्यूसली प्राप्त रहा है और उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है जिसके तहत हम बिहार में वो कार्य कर रहे हैं.